थाना बड़नगर शहर में शराब तस्कर व गौ तस्कर गिरोहों का गिरफ्तार कर जब्त मशूका लगभग 9 लाख रुपए। वर्तमान में चल रहे लॉकडाउन बड़नगर थाने के देहात क्षेत्रों से लगातार अवैध शराब की बिक्री और गौवंश की तस्करी की बड़नगर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई। थाना प्रभारी मनीष मिश्र द्वारा टीम बनाकर रुनीजा रोड पर चेकिंग चलाई गई। चेकिंग के दौरान रुनीजा की तरफ से तेज गति से आ रही बोलेरो पिकअप को रोककर चेक किया गया। वाहन चेकिंग के दौरान 9 पेटी अवैध शराब व गाड़ी के अंदर 7 गाय को ठूस ठूस कर भरकर लाया जा रहा था। तुरंत गाड़ी को पुलिस की गिरफ्त में लिया गया। आरोपी काफी शातिर था। तस्करी के समय बोलेरो वाहन में सब्जी की खाली कैरेट जमा कर तस्करी कर रहे थे ताकि किसी को भनक ना लगे। वाहन क्रमांक AP14GC2313 दो व्यक्ति थे। शेरू पिता फारूक 23 साल, अशरफ पिता बाबूलाल 24 साल, दोनों आरोपी मंदसौर निवासी हैं। वाहन को पकड़ने में इन पुलिसकर्मियों की विशेष भूमिका रही। थाना प्रभारी मनीष मिश्र, उन्नी जितेंद्र पाटीदार, सौनी दिनेश मिनामा, सौनी MS चौहान, सौनी नरेंद्र भूरिया, पार भूरिया, महेश मौर्या, मोतीलाल और मुकेश मीना, रुपेश परले, गिरधाल कनील, सुनील परमार, भरत सैनिक, धर्मेंद्र सिंह। बड़नगर संवाददाता राधेश्याम सावरा की रिपोर्ट। देखिए, मुखबिर की सूचना पर हमारी टीम ने कार्रवाई की है। उसमें ये जानकारी मिली थी कि गायों का परिवहन हो रहा है, तो उस संबंध में एक पिकअप को रोककर चेक किया गया। उसमें जो सामने की तरफ क्रेट रखे थे, सब्जी के क्रेट रखे थे, इसके पीछे छुपाकर 8 गौवंश रखे गए थे बांधकर, और उसी गाड़ी में ऊपर डाले में 8 पेटी देशी शराब भी जब्त हुई। तो दोनों के संबंध में थाने में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। दो आरोपी इसमें गिरफ्तार हुए, दोनों मंदसौर जिले के रहने वाले हैं। एक का नाम शेरू है और दूसरे का नाम अशफाक है। इस संबंध में अभी विवेचना चल रही है। मंदसौर के ही थे, यहाँ कानवन के पास में कहीं बेचने जा रहे थे ऐसा बताया है।